वेलकम माई फ्रेंड्स, अनदर ब्लियातिफुल इवनिंग इन न्यू दिल्ली। दिस इज़ नॉट रसिया। इट लुक लाइक सोवियत यूनियन टुडे, बट दिस इज़ नॉट सोवियत यूनियन। दिस इज़ माई ओन टेरेस, जो लगती है सोवियत यूनियन की, जैसे यहाँ पे बॉम्बार्डिंग हुई हो कभी, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं रसियन क्यों बोल रहा हूँ आज, रसियन क्योंकि एक तो मौसम रशिया वाला मौसम, वाह, पर अब सर्दी हो गई तो हम भी नेपाली बन गए, मौसम को मौसम बोल रहे हैं। रशियन बन रहा है बहन, ठीक है, रशियन बनना है। तो बात ये है, इतना ग्रे वेदर जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना, जहाँ ग्रे मतलब जैसे जनजात हो ही ना कोई आसपास, जैसे बहुत दूर कहीं बम गिर गया हो और शांति पड़ी हुई है, ट्रेन की आवाज़ आई, चलो पॉजिटिव साइन ऑफ ट्रेन सोवियत यूनियन, ऐसा कुछ हो रखा है दिल्ली में, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और सर्दी इतनी ज़्यादा सितम ढा रही है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। कल आग जलाई वो ही ना जली, सोच लो कितना सितम ढा रही है। मैजिक मोमेंट्स, ग्रीन एप्पल वोडका, जो शायद 295 की थी हाफ, आज हम इसको श्रद्धांजलि देंगे। और माय डियर कॉमरेड्स, साउथ अफ्रीका हैज बीटन इंडिया, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा साउथ अफ्रीका ने हमारी इंडियन टीम को हराया। एक्चुअली मैं उसको टीम नहीं कहता, हमें क्या IPL में ना हीरो बनाने की आदत बहुत हो गई है। और याद रखिए कि हीरो से कभी टीम नहीं जीतती, कभी पंत चल गया तो कभी कोहली, कभी बुमराह चल गया, तो लोग एक एक टीम पर डिपेंड रहते हैं। जैसे मुंबई इंडियन वाले सोचते हैं हमारा रोहित आ जाए, दिल्ली वाले सोचते हैं, बेंगलोर वाले सोचते हैं हमारा कोहली आ जाए, इसमें टीम का ही बेड़ा गर्क होता है जो हो रहा है। और दूसरी साइड साउथ अफ्रीका का टीम एफर्ट दिखा, पीटरसन भी अच्छा खेला, एल्गर भी अच्छा खेला, फील्डिंग भी अच्छी थी उनकी, क्या कह सकते हैं। बाकी आप सब मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। और बहुत चिलिंग ठंड है, बहुत चिलिंग, वोट का बची थी थोड़ी पहले की, तो आज इसका श्री गणेश करें। वाह, बहुत अच्छी स्मेल तो नहीं कह सकते और बुरी भी नहीं कह सकते। कपिल देव टाइप कमेंट्री करूंगा मैं आज, बट आज मैं रशियन था तो मैं आई स्पीक रशियन, आई नो रशियन पीपल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, द ड्रिंक वोडका, दे पोटैटो दे, एंड आई एम, मैं सोच रहा था कि रशियन लोग आखिर खाने में खाते क्या है, खाने में क्या खाते हैं वो, तो मेरे को याद आया वो कुछ नहीं खाते, इतनी सर्दी में मैं ही दुकान तक नहीं जा पा रहा था, तो फिर वो भी क्या खाएंगे। इस पर हमने फिर भी कुरकुरे का जुगाड़ कर लिया। आपने कभी देखा रशियन मन्ना दारू के साथ कुछ पी रहा हो? नो, नेवर, ओनली बोतल गुड गुड एंड गुड गुड लाइक दिस। चीयर्स, जय भैरोगी। दो या तीन या चार या पांच दिन बाद दारू पी रहा हूँ, वो भी वोडका, सीधा पेट में जाके लगी। और ब्लियातिफुल तो नहीं कह सकते, पर कम सुंदर भी नहीं है वोडका। और इसकी खास बात क्या है कि इसमें रीमिक्स लिखा है, इसमें लौंडे नाच रहे हैं हरिओम हरे कृष्णा वाले गाने पे, और इसमें लिखा है एंजॉय चिल्ड एनी टाइम एनीवेयर। चिल्ड करने की इसकी ज़रूरत नहीं, चिल्ड वैसे ही बहुत है। यूपी से आइए, रामपुरा से, है ना, बिल्कुल रामपुर से, बरेली रोड से। और उसका रिव्यू ऐसे तो पहले भी आ चुका है, बट लॉकडाउन में इसका रिव्यू पहली बार आ रहा है। और चलिए कुरकुरे भी खोले। और न्यूज़ वाले पता नहीं क्या सोच रहे हैं, कोई इलेक्शन में बिजी है, कोई कोरोना फैलाने में, कोई डराने में बिजी है, कोई कह रहा है, कोई कह रहा नहीं है, कोई कह रहा है घबराने की जरूरत नहीं है, कोई कह रहा है घबराओ, मैं कहना बुंड बनाओ, कंफ्यूज कर दिया बैंक चोर। दूसरे हाल रसिया में, मुझे पता नहीं उसके वोडका के क्या हाल कह रहा हूँ, वोडका मेरे दिमाग से नहीं जा रही। पुतिन साहब क्या कह रहे हैं, हमारे मोदी साहब तो आए कह रहे युवाओं के लिए ये कर देंगे, युवाओं के लिए वो कर देंगे। अरे युवा बचेंगे तो वही तो करोगे चाचा, सबसे बड़ा युवा तो तुम ही हो रहे हो।
चलिए खैर कांड बनाए, यूपी के इलेक्शन मैच उदाय पॉलिटिक्स। हम तो कम कम पानी में ज़्यादा ज़्यादा वोट का पी रहे हैं आज। देखते हैं सर्दी भागती है नहीं भागती। द अल्टीमेट गोल इज सर्दी भगाओ। मन बहुत था चिकन खाने का पर मंगाने के पैसे नहीं थे भाई स्विगी जोमेटो से, तो बस क्या कह सकते हैं, ऐसे ही चल रही है गाड़ी हमारी लॉकडाउन में। हल्की हल्की गर्मी आई और ऐसे कोई स्वाद का पता नहीं लग रहा, काफी शार्प शार्प टेस्ट है इसका। और बिल्कुल सर्दी में तो वोडका सही है यार, सही है पीनी वोडका, नो डाउट। और बाकी यार थोड़ा बॉनफायर वगैरह हो तो सही में अच्छा लगता है, बट अभी मैं नहीं कर पाया तो मुझे माफ़ करना, आगे करेंगे। और मेरे जो दोस्त रशिया में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया से बाहर बैठे हैं, आप बताओ आपके देश की क्या हालत है। मुझे लगता है 6 महीने में सब कुछ बहुत ठीक हो जाएगा और ये जो भी है या तो पूरी तरह से गायब हो जाएगा या पूरी तरह से छा जाएगा हम पे। गायब होने के ज़्यादा चांस है क्योंकि बहुत सारे लॉ सूट फाइल हो गए हैं WHO और ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट। तो हम आशा करते हैं झूठ से सबका पर्दा हटे और जो गलत है वो सामने आए यार। तो और दिल बहलाने के लिए अच्छी बात है, एशिज के 3 दिन बचे हैं, पर 3 दिन वाला खेल इंग्लैंड खेल नहीं रही, 4 दिन बचे हैं या 3 दिन बचे हैं। तो मैच के लिए 19 जनवरी को इंडिया का मैच आएगा साउथ अफ्रीका से ODI। और लॉकडाउन में दिल्ली वाले क्या कर सकते हैं, या हमारे मुंबई में तो इतना लॉकडाउन नहीं है, आप क्या कर रहे हैं हमें आइडिया दें, क्योंकि वैसे तो वीकेंड का ही लॉकडाउन है, बट इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग यार। लोगों को इन्होंने इतनी गंदी आदत डाल दी है लॉकडाउन की कि लोगों की मानसिकता बन जाएगी लॉकडाउन के साथ रहने की, प्राइवेटाइजेशन की, हर जगह जाके अपनी आइडेंटिटी दिखाने की, जो मुझे अच्छा नहीं लगता यार। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है अपने ही देश में पराए हो गए, ऐसा आपको फील नहीं आती, मेरे को कभी कभी आती है। पैनिक मोमेंट्स बहुत बार पिए लोगों ने, शादियों में बहुत फेमस है ये, जो लोग छुपा छुपा के पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में डाल डाल के पीते हैं, लड़कियों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जो लौंडे हैं वो भी सोचते हैं कि मम्मी पापा के सामने मतलब पीनी हो तो उसकी स्मेल नहीं आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी पापा की जो आँख होती है वो किसी बाढ़ से भी तेज होती है, इसलिए क्योंकि उनमें सिर्फ आँख ही नहीं होती, 6th सेंस भी होती है, तो वो समझ जाते हैं यार लड़का कुछ गड़बड़ करके आया है। आप शादी में जब कबूतर बन के नाच रहे होते हो ना, वो मेरा टोला नहीं आया टोला, तो मम्मी पापा समझ जाते हैं इसका टोला आज 2 पैक लगा के लोला हो गया है। तो ऐसी बकचोदियाँ मम्मी पापा के आगे नहीं चलती, दोस्तों में चलती है। और आपका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है वही सबसे हरामी वाला डांस कर रहा होता है शादियों में, क्योंकि उसने दारू भी रखी होती है यार। आई मिस द ओल्ड शादी डेज। पता है पहले शादी में जाते थे ना, तो शादी में गए मम्मी पापा के साथ चलो गए, तो मम्मी पापा से अलग होते ही कोई दोस्त ढूंढते थे, या मतलब क्राउड देखते थे, लड़कियाँ देखते थे, नैन मटक्के होते थे बहन की चूत, और अपनी मर्जी का कुछ, सॉरी गाली दे रहा हूँ, अपनी मर्जी का कुछ खाते थे पीते थे, चौमिन पाड़ते थे, माइयोगा मज़ा आता था जिंदगी। अब क्या हुई जिंदगी, बहन की लोड़ी 20 जने शादी में जाएंगे तो करेंगे क्या। अरे 20 जने तो यार कई स्टेट ऐसी हैं स्वागत में चले आते हैं हमारे यहाँ। प्राउड नेशन रशियंस, वी आर रशियंस, वी आर पुतिन। अब की बार पुतिन की सरकार, पुतिन को ये नारा लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसकी रहनी है सरकार। वैसे तो मैं फिर से कहना चाहूँगा पॉलिटिक्स की माँ की चूत, पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, अरे यार हम सारी पार्टियों को जानते हैं, आम आदमी को भी जानते हैं, बीजेपी को जानते हैं, कांग्रेस को जानते हैं, अगर कोरोना फैलता है या ये रैलियाँ करने की क्या ज़रूरत है किसी भी चीज़ के लिए। अरे साहब बोल दो हमें अच्छे लगते हो तो हमें वोट दे देना, लोगों को तुम्हारी रंडी रोनानी चाहिए, और लोग जागो, इनके रंडी रोने में फंसते क्यों हो आप, वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं आपको बोलने का, पर सही है भाई पौआ मिलता है तो लोग भी चले जाते हैं, पौए के लिए लड़ो, पौआ जो होते हैं उसको वोट दो है, आप तो यही कहोगे। दैट इज नॉट अ फेयर थिंग मैन, डेमोक्रेसी इज फकिंग बाय दिस आउल मदरचोद। चलिए यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांति शांति। मेरा मूड आज थोड़ा गड़बड़ाया सा हुआ, आपको लग ही रहा होगा, मेरी बातों की ECG डगमगाई हुई है, गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, चैन नहीं है, चैन नहीं आ रहा बहन का लड़, इतनी सर्दी में भी चैन नहीं आ रहा हमें, इतनी सर्दी में भी हम बोर्ड का खोल के बैठ गए छत पे, क्या करें आप सबके लिए करना पड़ता है, पर आप सपोर्ट नहीं करते यार।
दैट इज बैड। चीयर्स। So we are drinking today in Russian style and we'll eat in Russian style also. You were wondering how Russians spend their life in too long in winters. I also don't know. Because I never went to Russia. कैसी लाइफ होती होगी ना लोगों की। अभी मैं हेरल्ड बॉर्डर के व्लॉग ही देख रहा था, नेपाल में वो गया हुआ है तो वहाँ भी ना पाइप में पानी नहीं आता, ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं है यार। करते हैं हालांकि वो झरने वरने से पानी ले आते हैं, बर्फ ले आते हैं, उसको सुखाते हैं, मतलब उसको पिघलाते हैं तो पानी बनता है। मतलब वहाँ कोरोना वरोना कुछ नहीं है, पर वैसे ही लाइफ इतनी हार्ड है यार। दिल्ली में सब कुछ है, दिल्ली में सब कुछ है, फ्री की बसें हैं, फ्री की रोटी है, एक तरह से बिजली पानी मिल जाता है लोगों को यहाँ पे। ऐसा भिखारी भी यहाँ शान से जीता है, मैं आपको ये कह सकता हूँ। एक जो फुटपाथ पे सोता है ना, वो भी हमारी तरह ही पौआ मार के सोता है रोज। अच्छी रोटी तो मैं ये नहीं कहता उसको, अच्छी रोटी मिलती होगी रोज, कभी कभी तो मिलती होगी, क्योंकि चलता फिरता शहर है ना, तो गरीबों के लिए करने वाले भी बहुत हैं। जैसे आपने देखा होगा साधु लोग हरिद्वार या ऋषिकेश में है, दिल्ली में है, साधु लोगों का अड्डा होता है अपना अपना, या यूपी प्रयागराज में है, या आपके क्षेत्रों में भी ऐसा आपको लगा होगा कि साधु लोग यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, क्योंकि वहाँ उन्हें चलते फिरते लोग ज़्यादा जहाँ होते हैं वो खाने पीने की व्यवस्था वहाँ चलती रहती है। वो वाला सीन है दिल्ली का। पर बिल्कुल आउटर में सहूलियत नहीं है, आराम ही आराम है, चैन है, पर लोग चैन से भी बोर हो जाते हैं। मैं वही कभी कभी सोचता हूँ पीते पीते जिंदगी का मकसद क्या है, बयान की चूत, मतलब जो जो लाइफ जी रहा है उसको उसमें मज़ा नहीं आएगा। मतलब अपनी बीवी पसंद नहीं आएगी, पड़ोसन की आएगी, क्या करें बयान चूत, क्या करें इसको काटने के लिए, क्या करें बयान जो बीच में से आ रही लाऊँ क्या। दारू पीना एक सबब सा है, बहाना है, अच्छा लगता है वैनचोद, अच्छा लगता है बाकी दुनिया से, तो पता नहीं क्यों लगता है पर लगता है। करने को और भी अच्छे काम कर सकते हैं हम, पर उसके लिए बहुत स्टेबल माइंड एंड स्टेबल सिचुएशन चाहिए आपको। ऐसे हवा में नहीं होता सब कुछ, पर दारू कभी भी पी जा सकती है, इसलिए दारू लोग पी रहे हैं। सरकार तो अपने प्रॉफिट के लिए बेच रही है, तो सरकारी लोग भी पी रहे हैं। बस अजीब सा माया जाल है भैया। मैं नहीं कहता मैं माया जाल में नहीं फंसा, मैं बहुत ज्ञानियों वाली बातें करता हूँ, मैं भी दारू पीता हूँ। मैं सबको यही कहता हूँ, फिट रहो, इसको अपनी प्रायोरिटी बनाओ, ठीक है, प्रायोरिटी मत ही बनाओ, एक शौक बनाओ बस, ठीक है, पी लिया, खत्म किया, ज्यादा सोचा नहीं, दौड़ते भागते रहो। ये नहीं कि यार पीते ही इंडल्ज होते गए, वो खराब है। होती है गलती है भाई, हमसे भी होती है, विकास राठी क्या हाल है तेरे भाई, अगर तू इस 14-15 मिनट जो भी चल रहा है यहाँ तक पहुंचा है, क्या हाल है भाई तेरे, कहां पर है तू, दिल्ली में है या हरियाणा में है, मुझे बताइयो। मतलब आज तो ऐसा मेरा मन था, इतनी ठंड है, महसूस कुछ नहीं हो रहा, दिमाग पे चढ़ रही होगी ऑफ कोर्स, वेंस में आपके दारू जाती है, खून में मिलती है तो असर तो होता है। बट एक तो काफी टाइम से विस्की पी रहे थे तो ये तो बच्ची लग रही है उसके आगे, बीच में मैंने रंपी और सुबह चिकन खाया तो मेरा थोड़ा पेट अपसेट हो गया। गर्मी और सर्दी, उस बाहर सर्दी अंदर गर्मी, वो क्या होता है, ब्लास्ट ही होता है ना, माइनस प्लस माइनस ही हो गया फिर तो। तब से 2-4 दिन गए छोड़ी, आज वोडका थी, वोडका मुझे हार्मफुल कम लगती है विस्की से,
बट मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता क्योंकि कब आप हार्मफुल है तो पीते ही रहोगे। हाउएवर इट इज स्मूदर देन विस्की एंड मैजिक मोमेंट्स ऑलवेज डिलीवर देयर बेस्ट। अच्छी वोडका बनाते हैं हमेशा, अच्छी वोडका बनाते हैं हमेशा। और सही है यार, बस रगड़ के मत पियो इसको, गर्मी में ज़्यादा मत पियो, कंजेशन यो कंजेशन कह रहा हूँ, जैसे ट्रैवलिंग में मत पियो, कोई फायदा नहीं है। खाली बैठे हो, पार्टी है तो पार्टी में तो बहनचोद कुछ भी पियो, मजा ही आता है यार। आई मिस पार्टीज मैन। पार्टीज भी है, रंडी रोना खत्म हो यार। कितनी अच्छी लाइफ थी 2019 से पहले, चाहे जैसी भी थी यार, जेब तब भी खाली थी, जेब आज भी खाली है, बट एक आज़ादी थी ना मानसिक। अब मानसिक गुलामी महसूस होती है, मुझे तो होती है भाई, तुम्हें होती नहीं होती पता नहीं। कम ऑन मैन, ये मानसिक गुलामी हटेगी 6 महीनों में। चीयर्स। इसके नाम ऊपर वाले वाला साथ दे, हर जाम मेरा तेरे नाम होता है, तू मेरे नाम है, मैं तेरे नाम। सुनो भाई, मेरी कई भी कोठी होती, सैनिक विहार में कोठी होती, अशोक विहार में कोठी होती, और जितने भी ये सैनिक फार्म्स में होती, एनएसपी में होती, कहीं भी होती, जो मजा टेरेस में पीने का है ना यार, वो आर्किटेक्ट के अंदर की माँ की चूत में जाने का पीने का मजा ही नहीं। यहाँ कुछ नहीं है तब भी यहाँ सब कुछ है। ये मजा है, ये मजा है इस आसमान, खुले आसमान का। I love drinking on the roof, man. I'm sorry. You expect many things from this channel. As I'm a Russian, I will speak Russian today. मैं रशियन हूँ, आप बहुत इस चैनल से एक्सपेक्ट करते हैं मैं जानता हूँ। ये थोड़ा नेपाली रशियन हूँ मैं, तो मेरी भाषा पे थोड़ा गौर मत करें। बहरहाल मैं चाहता हूँ अभी चलता रहे चैनल, आप जुड़ते रहें, आप खुश होते रहें, मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए बीच बीच में। आने वाले टाइम में बहुत प्रोफेशनली भी मैं काम कर सकता हूँ, मुझ में वो सारा आपने लोगों ने स्किल दी है मुझे, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया है, सब कुछ दिया है, तो जो तो बढ़िया बंदे हैं वो तो रुकेंगे भाई, जो मुझे जानते हैं। बाकी अपना जीवन रेल की पटरी, संग हो भी मिलना पाए, संग हो कर भी मिलना पाए, लव मैरिज वही वाला सीन है अपना भी। तो जो समझते हैं वो समझते हैं भाई, जो समझते हैं वो 0 to 100 समझते हैं, जो नहीं समझते वो कुछ नहीं समझते। बरहाल ताकतों से, बरहाल ताकतों से लोहा लेना है, बरहाल ताकतों से लोहा लेना है, जीतना है उनसे जो गुलाम बनाए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। शायद मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे लड़ाई का अनुभव या गुलामी का अनुभव ज़्यादा होता है। जो लोग केरल गांव में देख रहे हैं मुझे, कहीं और देख रहे हैं, वो सोचते होंगे यार व्हाई दिस गाय इज सो टेंस्ड एंड वी आर सो हैप्पी। गोवा वाला ओमकार वेरकर सोच सकता है ऐसी बात। जी में बुलिया ते आके फरिया, मजा आ गया मैजिक मोमेंट्स के साथ। मैजिक मोमेंट्स इज ऑलवेज मैजिकल, ऑलवेज हाईली रिकमेंडेड।
आज मैं इस महफिल को अगर रेट करूं तो 5 में से 4 अंक दूंगा, बट इस वोडका को मैं रेट नहीं करना चाहूंगा, मैं कोई फायदा नहीं है, पहले पी चुका हूं। ये महफिल मैंने डाली कि आपका संडे कट जाए, उसके बाद अगले हफ्ते हम देखते हैं हम क्या पी सकते हैं। अगले हफ्ते आपके लिए नया ब्रांड आने वाला है, जो इस वीडियो के इस सेक्शन तक पहुंचे उनको पता लगेगा, जो शुरू में देख के चले गए उनको कैसे पता लगेगा। बाकी सपोर्ट करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, और सब्सक्राइब कर लेना इंस्टाग्राम पे ट्रैवलिंग बॉर्डर नाम पे, और जिंदगी में कुछ भी करना मस्ती में करना। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।